जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके बहुत का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। तार साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में हुकूमत ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई है, फायरवॉल, जिसकी वजह से वो इंटरनेट पे कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन तार साहब, सारे पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर हैं वो सारे के सारे बेरोजगार हो रहे हैं, उनके जो ऑनलाइन अकाउंट्स हैं वो बंद हो रहे हैं। और भारत के अंदर तो तार साहब, भारत जो है वो ऑनलाइन स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि वो 5G इंटरनेट है। हमारा 4G शहरों में है और शहर से 3 किलोमीटर नीचे है, और तो 3G और 2G हो जाता है। तो तार साहब, ये पाकिस्तान की यूथ जो है, ये कैसे मुकाबला करेगी भारत का और बाकी दुनिया के नौजवानों का, जब हमने 2G पे गुजारा करना है, और ये जो फायरवॉल भी लगा दी है, जरा इस पे कमेंट करें। और अफगानिस्तान में भी तार साहब कल जो है वो भारत के साथ यौम आजादी मनाया, इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा। और मोदी साहब की तकरीर तो आपने सुनी होगी। सीमा साहब, मैं खैर शर्म आती है मुझे कंपैरिजन करते हुए, क्योंकि हमारा जोड़ अब हो नहीं रहा, कहते हैं हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। लेकिन चले फिर भी देखते हैं कि आज हम खड़े कहाँ हैं, आज हम हिस्टोरिकली कहाँ खड़े। हमारे बारे में सबसे पहले विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि रास्कल्स हैं ये, इनके इनके जो इनको ये डेड एंड पे जाएंगे, इनके डेड ये एक पतली गली में बड़ी जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि इनके लीडर जो हैं वो तालीम याफ्ता नहीं है, सिविलाइज नहीं है। लीडरान, एक तरह मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा, लीडर जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो लीडर सिर्फ सियासी लीडर ही नहीं होता। एक जो हाई कोर्ट का जज होता है, चीफ जस्टिस, वो भी अपने डिपार्टमेंट का लीडर होता है। एक जो पुलिस को चीफ कर रहा होता है, हेड कर रहा होता, वो भी अपनी पुलिस का लीडर होता है उसका। और यही विंस्टन चर्चिल का इशारा था कि सारे ये लोग अनक्वालिफाइड है, अन तालीम याफ्ता नहीं है, बेकार लोग हैं, ये सिर्फ सर्वेंट ही पैदा कर सकते हैं। और वाकई ही आज भी मैं डिबेट कर सकता हूं, आपको आज भी ब्रिटिश एजेंट चला रहे हैं, चाहे वो सीएसएस अफसर हो, पीसीएस अफसर हो, चाहे पटवारी हो। पटवार का भी डिपार्टमेंट ब्रिटिशों ने बनाया था। आर्मी आपकी अभी तक यूनिफॉर्म उनका पहनती है, आपकी पुलिस अभी तक ट्रेनिंग 18वीं सदी, मैं पाकिस्तान से LLB करके आया हूं, 18वीं सदी का कानून पढ़ के आया। तो आज भी आप ब्रिटिश ही हैं। और दूसरा, मैंने कल भी आपके साथ बात की थी कि अब तो आप खैर डायरेक्ट उनके नीचे हैं, क्योंकि उस वक्त बजट हो सकता है ब्रिटिश इंडिया में बैठ के बनाते हो, अब आपका बजट जो है वो वॉशिंगटन DC में बनता है। आप तो आजाद भी नहीं है और आप कुछ भी नहीं है, ना कौम है आप। उससे आगे चलते हैं, विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था, हैरी ट्रूमन ने क्या कहा, हैरी ट्रूमन के अल्फाज ये थे कि ये दिस इज द कंट्रीज ऑफ पुअर पीपल, इतने ज्यादा गरीब लोगों का मुल्क है, लिबास इनके पास नहीं है, नंगे हैं, सारा दिन गांव जानवरों के पीछे फिरते हैं, गैंजेस के किनारे बैठे रहते हैं, ये किस तरह आगे चल सके। जिन लोगों के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपना चीमा साहब, अब उनके बारे में अमेरिका कहता है कि देयर आर पार्टनर्स। आप कहां हैं, ये भी मैं उस पर थोड़ी देर पे चलता हूं, कंपैरिजन ही आज कर रहे हैं। आजादी मना रहे हैं वहां पे बड़ी लंबी चौड़ी, आज मोदी साहब ने 98 मिनट की स्पीच दी, और हिस्ट्री में ये तीसरे ऐसे लीडर हैं नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद जिन्हें ये इतना मौका मिला है कि वो इतने ज्यादा यौम आजादी के ऊपर स्पीचिंग कर सके। मेन फोकस उन्होंने वादा किया, उनका लफ्ज ये थे कि हम ये मौका जाने नहीं देंगे। टारगेट उन्होंने किया है कि हम 2047 जब हमारी सेंचुरी मुकम्मल होगी, वो विल बी द डेवलप्ड नेशन, नॉट अ डेवलपिंग। उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर होगा तो फिर लाएंगे। उन्होंने खुद ही अपनी तकरीर में कहा है। आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या है? मैं चीमा साहब मुसलसल आपके साथ चीखता रहा हूं कि तुम्हारे को अडियाला जेल नहीं बन सकी, तरक्की किवें करोगे? अब अडियाला जेल की अब आज सर्जरी हुई है, सुपरिंटेंडेंट जेल अकरम साहब पकड़े गए हैं, फिर उसके बाद इनके रऊफ हसन साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, पुलिस ने जाकर जो थप्पड़ मार के उनको मनवाया है, और जो PTI के कंप्यूटर निकले हैं, तो अब निकले हैं, क्यों निकले हैं? साल बाद क्यों निकले हैं? पहले क्यों नहीं निकल रहे थे? अब कहा जा रहा है कि हर हफ्ते मुलाजिम चेंज किया जाएगा मुर्शिद पार्क के कमरे का, हर हफ्ते, फिर उनकी निगरानी घरों पर की जाएगी। आज क्यों हो रही, साल पहले क्यों नहीं?
अब वो रिकॉर्ड निकाल लिया है टेलीफोन एजेंसियों ने कि वो किन किन ममालिक में किन से क्या बातें करते थे, 127 आर्टिकल किस तरह छपे अब पता चला साल बाद। चीमा साहब इस तरह भी कभी हुआ है जिस तरह ममालिक के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर 2024 के अंदर ये हालात है? 2024 में फैज हमीद की स्टोरियां आज क्यों निकल रही है, पहले क्यों? यही वजह है आपकी आपकी नाकामी की, जिंदगी में नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि यू आर नॉट सीरियस, यू आर नॉट पाकिस्तानी, यू आर नॉट सीरियस अबाउट पाकिस्तान। अर्ज करना चाहूंगा आज इसके साथ कंपैरिजन के साथ ये भी, जनवरी 6 के हादसात में सबसे ज्यादा बड़ी जो सजा दी गई है पिछले हफ्ते दी गई है, उस बंदे ने फ्लैग के पोल से पुलिस को वो डंडा मारा था, 20 साल सजा होगी, 20 साल। जनवरी 6 कैपिटल हिल के ऊपर उस बंदे ने फ्लैग पोल के साथ पुलिस को वो डंडा मारा था, 20 साल अगले तोड़ कर। आपके पास 9 मई की आपके पास जियो फेंसिंग मौजूद है, मुर्शद के भतीजे ने स्टेज पे खड़े होकर कोर कमांडर की पतलून का साइज बताया था, अंदर कोर कमांडर के घर के अंदर से लोगों को पकड़ा गया लेकिन सजाएं नहीं दे पा। आपकी नाकामी की ये वजूहत और आपको पता है इस बात, आपको पता है, आपको आपकी नाकामी की हर चीज का पता है। आपको चलाने वाले नाक में रोटियां नहीं डालते, सारे बिलियनर है, सबके पैसे 150 बिलियन जो बाहर पड़ा है जो आपको चलाने वाले इन्हीं का है। आप पाकिस्तानी नहीं है, आप बहुत खतरनाक लोग हैं, आप अब अपने लिए खतरनाक बन चुके हैं, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी खतरा बन चुके हैं, ये हालात है क्योंकि रहने वाले वो पाकिस्तानी है ही नहीं। जीवन आगे चलते हैं, आप जिन्होंने मोदी साहब ने कहा कि हम कहां जाएंगे, आप कंपेरिजन करना चाहूंगा, पाकिस्तान का सीईओ वहां बैठा है आज मोदी साहब के साथ बातें कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि किन किन स्टेटों में मैं आगे प्लांट लगाने वाला। चीमा साहब 2021 में उन्होंने पहला अपना प्लांट फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में लगाया था, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन है ताइवान का। आप कहां हैं मैं बता रहा हूं, आपने खुद बताया कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा, आपने खुद बताया, आपकी मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि यहां इंटरनेट काम। नवाज शरीफ साहब ने आज देखे तरीका वारदात जरा नोट फरमाइए, उन्होंने आज नून लीग की अपनी एक मीटिंग बुलाई है, उसके अंदर अपनी पार्टी को कहा है कि बिजली के बिल कम किए जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूं। देखे देखे वार उड़निया वेखो इन्हों लंदर बेस लोगों ने। चीमा साहब आप कहा पस्तियां, आपको मजीद पस्तियां मिल नहीं रही, आप इससे भी नीचे चले जाए, नीचे पत्थर आ गया, आपने बड़ी खुदाई की, आप नीचे मजीद जाना चाहते हैं। जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर उधर से नारा बुलाल कर रहा है, कहता है कि मैं किसी का बाप है तो मुझे रोक के दिखाए, वो मजीद बस्तियां चाहता है लेकिन उसको नीचे पत्थर आ गया, मिल नहीं रही बस्ती। चीमा साहब लेकिन इसके बाद ये मैंने आपको अमेरिका की मिसाल दी है 6 जनवरी की, कि एक बंदे ने फ्लैग पोल के साथ पुलिस को डंडा मार के 20 साल सजा अमेरिका में हुई है। चीमा साहब इंग्लैंड के अंदर अदालतें 24 घंटे खुली हैं, 24 घंटे सजाएं दे रहे हैं वो लोगों को पकड़ पकड़ के, और आपको अभी तक नहीं पता 9 मई ने जिन्होंने कैंट के अंदर कोर कमांडर के अंदर घर के घुस के जब उसको गिरेबान पकड़ा है जिसने, और वो कोर कमांडर जिसकी कोर इंडिया के बॉर्डर पे लगी, लेकिन आपके पंथ चलते हैं उनसे बात करते हैं, ये वजुआत है कौमें इस तरह तबाह होती है, नाकाम होती है। आज बांग्लादेश आपसे अलग हुआ था, नारे मार रहे हैं, वो कहते हैं सीना वाजिद को वापस लाओ, हम इसको फांसी देंगे चौक, नारे लगा रहे। आप कहां हैं, आप कौन हैं, आपके बच्चे कहते हैं हाय अबू जी पुलिस वाले मारते हैं, हम इनकलाब कैसे लाएंगे, देखे ना अबू जी पुलिस वाले मारते हैं, दफा 144 लगी है ना, हम जुलूस कैसे निकाले, तो छोड़ो तो मेरे इंग्लिश में है तो पढ़ लो उर्दू में पढ़, अगर नहीं ये सारा कुछ हो रहा है तो पढ़ाई तो जो उधर जाना नहीं, और एक बंदा कहना जी ये सियासत नहीं जिहाद है, अपने बच्चे इंग्लैंड में बैठे, अपने सारे बच्चे इंग्लैंड, उसके आसपास भी घेरे सारे इंग्लैंड के, 127 आर्टिकल आपका ख्याल है पाकिस्तान से किसी ने लिखे, उसके ऊपर पाउंड और डॉलर लग रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में जो उन्होंने लॉबी की है चीमा साहब, यहाँ पे जो कांग्रेस मैनों पे लॉबी की सारी डॉलर और पाउंडों में हुई, बल्कि इसकी व्हाट्सएप की रिपोर्टें सारी आ चुकी है कि पैसा कौन लगा रहा था बार बैठे, सारा इनको पता है सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, लेकिन ये कि हिम्मत नेटफ्लिक्स पे मूवी भी बन रही है साहब, चाहिए इमरान खान की पर्सनैलिटी पे, अजीम आदमी हो कहते हैं इससे माफी मांगो,
प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, इसके कदमों में पड़ जाओ जाके, ये तुम्हें छोड़ देगा। ये अल्फाज ने अली गंडापुर स्वाबी में उसने हजारों लोगों के सामने खड़े होकर कहा, वो कहता किसी की बाप की हिम्मत है जो मुझे पकड़ के दिखा ले। तो बाप पहले ही नहीं हुआ अभी तक, क्या किया। और अब आज उन्होंने डिच कर दिया और कह रही फैज बेहद, कहते मैं तो जानते नहीं इसको, कहता हमने तो रखा था सिर्फ तालिबान से बात करने के लिए, साधा से वाकफ ही नहीं। कहना हु इज फैज, आई डोंट नो हिम, आज उन्होंने देखा था। लेकिन चीमा साहब इस तरह भी कभी हुआ है कि डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? कौन सी जेल से डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है रोज डेली बेस पे? वो कह रहे हैं कि इमरान खान को मिलिट्री की कस्टडी में दे दिया जाएगा, ये अभी बातें हो रही हैं। साल बाद क्यों दिया जा रहा है? अगर दे दिया जाए तो फिर चीमा साहब इनके पास वीडियो, इनके पास ऑडियो मौजूद है, इनके पास लोगों की गवाहियां मौजूद है 9 मई वालों के, इनको इनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जब मुझे पकड़ा गया तो मुझे कहा गया आपने अटैक करना, उसके आज साल बाद क्यों जा रहा है वो मिलिट्री के पास, पहले दिन क्यों नहीं गया? को है जवाब किसी के पास? पाकिस्तान तबाह कर दिया आपने, 80% लौंडा लपाड़ा वेला, उन्हें काम लाओ के फैक्ट्रिया लित्र मार मार के उन्हें काम कराओ ना, वेले बैठे ने सारी दिहाड़ी बीबिया दी वीडियो बना बना के लान लगे, शर्मी को नहीं ना हाई आए ना प्यो ना कुछ ना मावा पूछ दिया, हमारा बच्चे जो हमारा हमारा तरीन हो चुके। लेकिन चीमा साहब इस तरह कौमें चलती जिस तरह आप चला रहे हैं, मैंने कई दफा कहा यार चलाओ तो यार छोड़ दो उन्हें, यार डिगड़ दो खत्म होने दो उन्होंने। और जो आज आप चीमा साहब में, बल्कि आजादी की बात हो रही थी आज, आप आजादी आपके साथ तो आजकल कांगो भी आजाद है, कांगो और कोरिया को भी आजादी मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं एज एन अमेरिकन, क्योंकि मेरा खून पसीना भी उधर ही जा रहा है, आधा तो आपके पास जाता है जो लौट के आ जाता है, जो आप IMF ले जाता है यहाँ से, मैं तो उसमें भी दुखी हूँ। दूसरा यहाँ से रिसेंटली $20 बिलियन मजीद इसराइल को दे दिया गया है जंग के लिए। और तीसरा आज हमारे तालिबान भाईजान ने वो सारे जितने टैंक शैंक थे उनको पेट शेड करके उन्होंने परेड निकाल दी, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल और ऊपर से सरकार उनके टामा हाक, उन्होंने उनके ऊपर से हेलीकॉप्टर ब्लैक हाक चले हैं, हेलीकॉप्टर उड़े हैं ऊपर से। मैं कहता हूँ बड़ी बात है, और उसमें से सारे के सारे अमेरिकन मेड थे, और जो जिस बेस पे की गई वो भी अमेरिकन बिल्ट है। मुझे वहां से भी अपने खून पसीने की स्मेल आ रही थी। चले फिर जिस कौमे ये भी नीचे ही जा रही है, कौन सा ऊपर जा रहे हैं? देखें इस वक्त इनको भी रशिया और चाइना ने कैलकुलेट कर लिया है और मजीद करते जा रहे हैं। लेकिन चीमा साहब अफसोस वाली बात यह है कि आज आपके बॉर्डर से दूसरी तरफ अगले 2047 को कैलकुलेट करके वो कह रहे हैं कि वी विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन, और आप आज भी इंटरनेट के लिए तरस रहे हैं। और जो नवाज शरीफ साहब से अर्ज है, कहते हैं ना बिजली के रेट कम करो, आपके साथ दूसरी तरफ जितने किसान हैं उनकी बिजली फ्री, इंडिया में बिजली फ्री। लेकिन हमें हमें शर्म जो नहीं आनी, प्रॉपर्टी जो अगर टारगेट लंदन की प्रॉपर्टियों पे हो, टारगेट सऊदी दुबई के प्लाजों पे हो, बच्चे टोरंटो पढ़ रहे हो, तो क्या फर्क है? क्या फर्क पड़ता है सोचने का पाकिस्तान में, क्या फर्क पड़ता है? आप आज आज बातें कर रही है फलाना जस्टिस भाग गया, फलाना ये, आप मुझे ये बता पाकिस्तान में है कौन आज? कौन है यहाँ? जो भी रिटायर हो, रिटायर होने से 5 साल पहले बच्चे पहले शिफ्ट कर देते हैं बाहर, बल्कि इस वक्त आपके आधी जुडिशरी के बच्चे बाहर हैं, आधी जुडिशरी के बच्चे बाहर हैं, आधी ब्यूरोक्रेसी के बच्चे बाहर हैं। पता है हर एक बंदे की रिपोर्ट मौजूद है एयरपोर्ट के ऊपर। वो आज तारा साहब आज की खबर ये आपको बता दूं, अपडेट करूं, सेनेट के अंदर एक डिप्टी डायरेक्टर के डायरेक्टर का शख्स है, अपर हाउस जो पाकिस्तान का है, उसने जिनीवा में कॉन्फ्रेंस थी, सारी फैमिली का वीजा लगवाया है, फैमिली को वहां पे अजाइलम अप्लाई कर दी, खुद वापस आ गया है। वो इधर आकर रौला पड़ गया। अभी हुकूमत ने नई मोडालिटीज और नए वो जो नोट वर्बैल होते हैं उसके तरीकाकार जारी कर दिए, जो जो यहाँ से जाता है वीजे लेके और लेते। देखे तार साहब, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वीजे लेके आप सरकारी बंदे हैं, आपको अगर हुकूमत ने ट्रस्ट किया आपके ऊपर, आप अपने बच्चे ही वहां छोड़ आए हैं और आके वापस फिर नौकरी करने लग पे आगे, रिश्तेदार होना ना किसी का, भणूजा या साला तकड़ा अफसर होना, की फर्क पैंदा? मैं तुम दस्या साले भणूजा मार गए इतने रल के। चीमा साहब आप वो कौम है, जापान में आपकी स्विमिंग टीम गई थी, सारी की सारी जापान रह गई थी, आज नीचे से चौथे नंबर पर है आप, आपका पासपोर्ट क्या? इस वक्त जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, पता नहीं अब इसके बाद आप कहां जाएंगे। मेरी समझ से बाहर, एम्बेसियों के मुलाजमीन कहते हैं 2-2 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती, पासपोर्ट और आपके दूसरे उसके लिए पेपर खत्म हो चुके हैं। मेरे को यहां तो कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मुझे मैं अपने अपने पास से लगा, इससे नीचे कहां जाएंगे?
मेरी समझ से बाहर, कहाँ जाएंगे इससे नीचे। और चिल्लाने वाले और पता सर पता नहीं फिर क्या करना, तो डोरे नखा तो अन्य कुछ खबर नहीं पड़ते या की हो रहे। मेरे समझ से बाहर कि आप इससे नीचे मजीद कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। चीमा साहब इस वक्त पी आई ए के हालात देख लें, आप उनके रेलवे के हालात देख लें, करेंसी के हालात देख लें, लॉ एंड ऑर्डर के हालात देख लें। मैंने कल नमरा खान का बताया था कि डिफेंस के अंदर उसको तीन लोगों ने दिन दिहाड़े लूटने की अगवा करने की कोशिश की और आसपास से लोग गुजर रहे हैं और उधर ये चीख रही है उसको छुड़ा को नहीं रहा। कितनी बेहसी। मुझे आज तक वो वाकया नहीं भूलता जो मैं आज से 40 साल पहले देख के आया था जीटी रोड पर। मैं मंडी बहाउद्दीन जा रहा था इस्लामाबाद से, मेरे आगे एक गाड़ी जा रही थी उस स्पीडिंग कर रही थी, थोड़ी देर आगे मैंने देखा कि दरख्त से उसकी टक्कर हो गई। जब मैं नीचे उतरा उनको देखने के लिए लोग उनकी बालियां और घड़ियां उतार रहे थे। ये 45 साल पुराना, पता नहीं फिर इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान ये क्या आप हैं क्या, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। मैं खुद परेशान हूं अपने ऊपर भी कि मैं क्या हूं। मुझे तो बिल्कुल जब इनको देखता हूं तो डर लगता है यार मैं भी है ना बिछू गया है। हाँ मैं कीता की हाँ आया थे रोटी चीमा साहब, रोटी तो जानवर भी 3 दफा खा के रात को सोता है, ये कोई जिंदगी तो नहीं। लेकिन पता नहीं क्या बात है, आपके सारे चलाने वाले सर हर के पास फॉरन डिग्री, हर एस्टेब्लिशमेंट डिग्री देख ले, सारे सेक्रेटरी बार के पड़े, सारे सेक्रेटरी बार जस्टिस भी सारे। बद्रयाल साहब के मैंने पोर्टफोलियो पढ़ा था, बद्रयाल साहब का एकदम उनकी एक डिग्री भी पाकिस्तान की नहीं थी, अंडर ग्रेड भी बार थे। और उनकी सास कहती थी हाय जालिम मार्शल आप इतने ही ला देना, एक काश पीछे मरे फिर सारे। चीमा साहब बंदा सोना भी शादा पाकिस्तान च ना हो कौम सारी चिट्टे रंग पीछे वाले पीछे लगी फिर चलो क्या हो सकता है। चीमा साहब आप देखिए सर वो मोदी साहब ने 15 अगस्त को पाकिस्तान को फिर पैगाम दिया है कि हमने 2016 में स्ट्राइक की थी, 2019 में स्ट्राइक की है, अब देखो वो ठीक हो गए हैं। तार साहब पाकिस्तान की तरफ से क्यों जवाब नहीं आता, इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई वजीर दफा नहीं है। वजीर दफा हमारा टीवी पे बैठ के पुरानी बातें कर रहा है, बाजवे ने ये लगा हुआ है, और उधर से मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान को धमकी पे धमकी दे रहे हैं। वैसे धमकी उनकी बनती भी इस तरह थी कि अभी रिसेंटली अटैक कश्मीर के अंदर बढ़ी, वो ये भी उनकी स्टेटमेंट गलत है कि वो ठीक हो गए। ठीक किस तरह हो गए उनकी, अभी रिसेंटली 6 महीने में मेरे 4 अटैक हो चुके कश्मीर के अंदर, बल्कि उनको अंदर अपने अंदर से उनके खिलाफ की चीजें कि आप उसका रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहे। कश्मीर के अंदर मुसलसल ऑपरेशन तो जारी है, ये पटाखे तो चला रहे हैं, पता नहीं वो कौन चला रहा है, डिनाई भी नहीं करते इस साइड से, जवाब ये दे देते। जवाब तो सबसे बड़ी बात है, भारत की तरफ से कई दफा स्ट्रॉन्ग उनकी पर्सनैलिटीज ने कई दफा कहा कि वो विल टेक ओवर द अदर पार्ट ऑफ कश्मीर विद इन 20, वी हैव अ कैपेसिटी टू टेक ओवर विद इन 24 आवर्स, उसका भी जवाब किसी ने नहीं दिया था। जवाब तो वो लोग देते हैं जो जिंदा हो। चीमा साहब लंदन से अब जवाब क्या है, लंदन से अगर आपका आप डायरेक्ट सारा दिन आप अपने अकाउंट चेक करते हो कि अब इतने पैसे रह गए, इतने कम पड़ रहे हैं, हमने तो वापस चले जाना है, तो आप जवाब आप उनको क्यों देंगे, जवाब कौन देंगे। सी पैक के आप देख लें जो आपने हालात उसके किए हैं, चाइना वो आपसे दुखी परेशान है, अमेरिकन जो है हाँ अमेरिका आपके प्राइस आपको देता है, उसी वजह से आप चल भी सांस भी उसी वजह से ले रहे हैं, और वो इसलिए कर रहा है कि उनके भारत के साथ वो आइडियल रिलेशनशिप अब वो नहीं रहे। उनका फोकस इस वक्त इंडिपेंडेंट अपना स्ट्रेटेजिक इटानमी है वो कहते हैं हमने रखनी है, तो उस पर वैसे वो दे आर डूइंग रिमार्केबल वर्क उसके ऊपर। वो ना वो अपने मर्जी के पार्टनर्स के साथ जाते हैं, रशिया के साथ दे आर इन लव विद देम राइट नाउ अगेन, और तेल भी उनसे ले रहे हैं। और बल्कि मैं तो हैरान हूँ इस बात में, अमेरिकन परेशान नहीं क्यों नहीं हो रहे, ब्रिक्स के जो 2 नए मेंबर बने हैं उन्होंने भी ईरान से तेल लेना शुरू कर दिया, ईरान इधर किसी ने खबर को कवर ही नहीं किया। ये अमेरिका के अंदर भी ये समझते हैं अगर CNN खबर नहीं देता तो इसका मतलब हालात ठीक है, CNN ने बताना होता ना कौम को किधर जाना है, तो यहाँ पे CNN कवर नहीं करता तो ये कहते हैं अगर CNN कवर नहीं करता तो इट मीन्स वी आर फाइन। लेकिन ब्रिक्स के 2 कंट्रीज जो है नए जो मेंबर थे उन्होंने ईरान से तेल लेना शुरू करा, ईरान विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, ईरान स्ट्रॉन्ग होगा, इन्होंने $20 बिलियन दिया तो वो चलेगा कहाँ, चलेगा तो मिडल ईस्ट में रह जाके, दोनों साइडों पटाखे चलेंगे, मरेंगे कौन उसमें दरमियान में जो छोटे छोटे वो मरेंगे। फलस्तीनी अभी तक 40,000 के करीब वो मार चुके हैं, मुसलसल मार रहे हैं, रुक नहीं रहे, डायलॉग शुरू कर दिया है कतर में उन्होंने जिसमें US कतर और इजिप्ट है लेकिन उसमें हमास मौजूद नहीं है, उसमें उसका क्या फायदा है। लेकिन ईरान ने ये स्टेटमेंट जरूर दी है, उन्होंने कहा कि इफ दे स्टॉप द बॉम्बिंग ऑफ गाजा वो विल नॉट रिटेलिएट अदरवाइज वी आर रिटेलिएटिंग, वहां से हिजबुल्ला कुछ ना कुछ थोड़े बहुत मिसाइल तो फेंक रहे हैं लेकिन नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन चीमा साहब हालात खराब है, अगर कोई मुझसे पूछे इस वक्त अमेरिका को कौन चला रहा है तो ये भी
कोई पता नहीं कौन चला। बाबा जी तो बेचारे पता नहीं, लोग कई समझते बाबा जी फौत हो चुके हैं, उनका कोई डबल है, कोई दूसरा बंदा घूम फिर रहा है इधर उधर। बाबा जी को कहते हैं किसी फ्रीजर में रख दिया, इलेक्शन के बाद उनकी दफनाएंगे। लेकिन अमरीका वैसे बाइडेन साहब की तरह नजर नहीं आ रहे कभी। नहीं, उन्होंने व्हाइट हाउस ने खुद कहा था कि 10 बजे से 4 बजे गए होंगे, उसके बाद उनको टीके लगा के पड़े रहते होंगे, उनको क्या चीमा साहब बहुत ज़हीफ हो चुके ना, कई दफा तो गिरे अवाम में, अवाम समझ गई है कि नहीं। इस वक्त तो लोग तो मुसलसल, बल्कि कमला हैरिस इज बिहेविंग लाइक अ प्रेसिडेंट, वो इसी तरह समझी जा रही है, शी इज अ सिटिंग प्रेसिडेंट। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इन्होंने शायद वार शुरू कर दें इलेक्शन से पहले, सो द कैमला विल बिकम अ प्रेसिडेंट टू बिगिन विद, उसके बाद इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ये भी सोच। कई इस तरह कंट्रोवर्सीज लोग बनाते हैं चलाते हैं, लेकिन ये कि अफसोस के साथ अमेरिका इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ द सेंचुरी ऑफ देमसेल्फ्स, कंट्री सीरियसली डिवाइडेड रेशियल बेसिस पे और पार्टी बेसिस पे, पॉलिटिकल ओपिनियन बेसिस पे सीरियसली डिवाइडेड है। लोग इस वक्त एक दूसरे को मारा मारी के सामने आ जाते हैं। आप मैं कल परसों तजर्बा करने लगा हूँ किसी इवेंट में, मैं निकलूंगा ट्रंप की शर्ट पहन के जाना है मैंने, जस्ट टू टेस्ट के व्हाट द रिएक्शन इज, लेकिन आई मीन अ ब्लू स्टेट, लेकिन लोग हाउ पीपल भी है, लेकिन यहाँ पे पीपल आर वेरी एंटी डोनाल्ड ट्रंप, एंटी कंजर्वेटिज्म, एंटी रिपब्लिकन। लेकिन चीमा साहब दिस इज नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। जो आखिरी बात मैं कहना चाह रहा था चीमा साहब, जो मैं बल्कि मैं मिस कर गया हूँ, कि मोदी साहब ने अपनी स्पीच में जो मैं कंपैरिजन कर रहा था, उन्होंने कहा 2036 के ओलंपिक्स की बिड भी है, वो भी भारत में कराएंगे, और आप इंटरनेट पे बैठे, आप देखिए फासला कितना है। एक कंट्री 2036 के ओलंपिक वहां पे कराने का सोच रहा है, फॉक्सकॉन वहां अपने प्लांट पे प्लांट लगा रहा है, और आप अपना देख लीजिए। लेकिन दार साहब कई लोग ये भी कहते हैं कि वो मोदी साहब जान के ये कहते हैं कि हमने 2036 की करानी है, उनको पता है कि हमें मिलनी तो नहीं है, लेकिन जस्ट एक बताने के लिए। बल्कि मैं देख रहा था कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि अगर इंडिया बिडिंग करेगा तो हम सपोर्ट करेंगे इंडिया को। तो आपको क्या लगता है, मोदी साहब बाकी कराना चाहते हैं या थोड़ी शुका शाकी भी होती है? G20 भी तो उन्होंने करा लिया, बात तो शुरू की है ना, कहते हैं जब बात शुरू करने से चीजें हो जाती हैं, आप क्यों नहीं कह रहे, आपके तो क्रिकेट टीम नहीं आती किसी मुल्क की। साहब ऐसा सोने से तमगा जीते हो तुम, मुंडा मुंडा छड़ा गया, मुझे लगा केले से स्लिप होके बंदे को गन टूट गया। तुसा उधर चीमा साहब उसमें पाकिस्तान का क्या जोर लगा, मुझे बताए ना। साडा मुंडा ही तार साहब जी देसी क्यों को आया है चीमा साहब। अब आगे देखिएगा, अब ये गेम भी सिफारिशी होगा करेंगे लड़के जाके, आप ये क्रिकेट टीम देख लेंगे, आपने क्रिकेट टीम के अंदर कुश्ती के पलवार रखे हैं, उसका क्या करेंगे आप सिफारशी। अब्बा जी का दोस्त, मेरे बाबा का दोस्त का अंकल का अंकल बाहर बैठा है, उन्होंने कहा तू खेल ले, तो ये चीमा साहब क्या है? और पता नहीं वो पता किया आपकी सारी टीम वापस गई है, कुछ यही रह गए, पॉलिटिकल साइलेंस करा लिया, ओके चेक किया आपने, तार साहब चले गए हैं वो सारे, वो अच्छे लड़के चेक करें ना अपनी टीम, विकेट कीपर वगैरह सारे चेक करें चीमा साहब। तार साहब ये तो माने ना, हमारे लड़के ने गोल्ड जीता, इंडिया ने गोल्ड नहीं जीता तार साहब, चीमा साहब सिर्फ इस वजह से जीता है क्योंकि राणा सनाउल्ला साहब साथ गए, ये उनका विजन था, ये शहबाज शरीफ का विजन था, ये शहबाज चीमा साहब। मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ, आपके अवार्ड दिए गए हैं, सुना है दो, उनपे सिर्फ दो एतराज थे, अवार्ड सुना दिए गए यौम आजादी के ऊपर, दो एतराज। चीमा साहब सरकारी अफसरों को अवार्ड क्यों दिए गए, वो तनख्वाह लेते हैं काम करने की, उनको अवार्ड क्यों दिए गए? दूसरा आपको पता है कि जिन्होंने तोशाखाना की घड़ी खरीदी थी उसको भी अवार्ड दिया है, उसका क्या जोर लगा अवार्ड लेने के लिए? नेशनल ड्यूटी की है दर्ज, घड़ी ड्यूटी घड़ी मोल ले ली उन्होंने, मैं घड़ी नवी ली, मेरे भी अवार्ड दो फिर, जो दुबई में रहता बंदा उसको भी अवार्ड दे दिया, और अंधे सुने एक आपके सियासी एक लीडर है उनके आस पास जो अफसर फिरते रहे सबको अवार्ड दिए गए, वो जो इस वक्त प्रेसिडेंसी में बैठे आते तो उन्होंने अवार्ड अपने करीबी दोस्तों को दे दिए, ये क्या अवार्ड है जी? क्यों गवर्नमेंट का क्यों क्या वजह, इतना आपने अपने आप को गिरा लिया है। कई लोगों को मैंने कहते सुना कि हमें काले आई हमने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि इस अवार्ड की वैल्यू को नहीं, बदनाम हो चुका है अवार्ड। तार साहब वैसे ये बड़ी अहम बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस क्लास की
चीज ही नहीं है, बिजनेस, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स या इन चीजों में, कि मतलब वो लोग, हम उस क्वालिटी के लोग ही नहीं पैदा कर रहे कि उनको अवार्ड दिया जाए। फिर अवार्ड तो देने ही है ना तार साहब, किसी और नु दे दे, उन्होंने चंगे नहीं तो भैड़े दे दे। अपने घर मालिका चौकीदार दे छो, इस तरह ही हो रहा है आजकल। लेकिन चीमा साहब देखे ना, जब पूरे मुल्क के अंदर एक दूध का गिलास खालस ना मिलता हो तो वहां पे दूसरी क्या चीज तो रख सकते हैं, तो रख सकते। आज वो जो लड़की आप अब कल हम बात कर रहे थे बेल्जियम में, वैसे ही आज उसकी भी स्टोरी सुना निकल आई, वो लोकल है, पटवारी भी है। वो बेल्जियन एम्बेसी ने कहा है कि ये मुझे भी, हमें भी गलती लगी, पटवारी बोल रही, अपारे थाने बैठी हुई पटवारी बोल रही, वो क्या नहीं है पता है। एक फेक न्यूज की भी हद है कि लोगों ने खुद ही बना दी और वो इंडिया तक, दुनिया, पूरी दुनिया में खबर चल गई कि, और बेल्जियन एम्बेसी को उसके ऊपर ईमेल मैसेज करना पड़ गया। आज उन्होंने दोबारा बेल्जियन एम्बेसी ने इस्लामाबाद में किया है, ट्वीट किया है कि उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। सीमा साहब इसका सिर्फ एक 12 नंबर का लेटर होना चाहिए। मैंने जियाउल हक का दौर देखा है, चूं भी नहीं सड़ कर दे जिम्मे लित्र कोड़े सट्टे सड़ा उन्हें सख्ती के साथ इसको कंट्रोल करें जो आवारगी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी। कल जो वहां जो कुछ 14 अगस्त में हुआ है उसमें आर्मी वालों ने उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है सिटिंग, और जो उनके अंदर भी है, और मैं खुश हूं इस चीज पे। लेकिन अभी भी इनको या तो स्पीड अप करें इसको अगर पाकिस्तान बचाना है, अगर नहीं करेंगे तो ज्यादती अपने आप के साथ और पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेंगे। यू आर ऑलरेडी टू लेट। चोर चोरियां करके भाग रहे हैं ECL पे, मैं कहता हूं एयरपोर्ट या तो बंद ही कर दो फ्लाइटा को, 2 महीने बंद करो फ्लाइटा को यार, ना सामने बंदा जावे तो ना अड़े से आने तो कंट्रोल करिए। इधर उड़ रहे थैले भर भर के डाल रहा है सरकार, लुट पाई अन्नी पाई, इतनी करप्शन, इतनी पर पैसा तो बहुत है ना पाकिस्तान के अंदर, 150 बिलियन चीमा साहब ना लेना सौखे। आपके सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है ये और पड़ी है कि 150 बिलियन आपका बाहर पड़ा है, एक भूखा नंगा मुल्क जी की हालत को, ये तो 150 बिलियन बाहर पे होगा, मजाक है। आपका साथ साथ का कैंडिडेट तो यही था ना कि मैं बाहर से पैसे वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि उन्हें पता था पैसे बाहर पड़े, डॉलर एक भी नहीं आया बल्कि और लाख बंदे टूट गए बाहर। तर से मुझे इस बात की समझ नहीं आई, आप अक्सर ये मिसाल देते हैं कि 100 किलोमीटर पे भारत है, लाहौर से दिल्ली है, वो नहीं अपने डॉलर बाहर लेके जाते हम, ये क्या चक्कर क्या है, ये क्या मसला क्या है? इंडिया से पैसे बाहर निकालना इतना मुश्किल है कि आप सोच नहीं सकते। और दूसरी मिसाल है, शादियां बाहर कर रहे थे, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा इंडियन बाहर जाके बाहर जजीरों पे वेकेशन कर रहे थे, मोदी साहब ने क्रैकडाउन किया उनकी, सबकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, बाहर शादियां होनी बंद हो गई। लेकिन लीडर स्ट्रांग होते हैं, उनके जो ऊपर बैठा होता है करप्ट नहीं होता, यही उनका सबसे बड़ा सर्वाइवल का, उनका तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि जो ऊपर बंदा बैठा है वो करप्ट नहीं है। ऊपर हमारे ऊपर से लेके नीचे, नीचे से ऊपर, सब सारे 2 नंबरी साढ़े पड़ूजे ना, एक दूजे साढ़े पड़ू, उनके मोदी साहब ना साढ़ा ना पड़ूजा ना शादी ना डंडा ना डेरी कुछ भी, साढ़े साढ़े पड़ूजे नहीं मुखदे, कोई समझ नहीं आ रही, कोई वायसराय बनाता ने सिर्फ जंगल का बादशाह बन गया, कोई कोई पता नहीं ये जंगल का जानवर ऐसी की है यार, जंगल है, जंगल के बीच भी कोई कानून होता होना इतने, तो वो भी नहीं है चीमा साहब, पता नहीं मेरे तो समय से बात, वो देखे ना मोहसिन नकवी साहब, अब पता नहीं पूछा जाए वो किधर से आए, कोई पता नहीं कुछ ही, वो कोई कहता CNN का रिपोर्टर सी है, कोई कहते कुछ सी कोई कुछ, वो पूछो पता नहीं वो कितों आया, वो कुछ समझ बंदे पता ही नहीं, ना हल्का है ना कोई डिस्ट्रिक्ट कुछ, वो बारे च मोहसिन ने कहता वो इसरा है, वो जवाब भी किसी ने दिता, ऐसा सुनया वो इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान, दिस इज बड़ा हेयर इन वॉशिंगटन DC, मेरा दिन गया उत्थे, लेकिन दिस इज व्हाट इज एवरीवेयर, कौन है जवाब तो दो है कौन है यार, बसो तो सही, लेकिन फिर हम कोई सिंगल बंदा ढूंढ लें जिसकी शादी ना की हो, जिसका कोई आगे पीछे ना, उस तरह का कोई लीडर ढूंढ लें, अगर इंडिया में ये मिसाल फिट है तो नहीं नेशनलिस्ट होना चाहिए, हाँ ये कह रहे शक कोई सिर्फ नेशनल व्याह बंदा भी नेशनल हो सकता है, शादीशुदा भी नेशनल हो सकता है, लेकिन उसके बच्चे बीबी तो पाकिस्तान हो ना, ये तो शर्त रखे आप कि यार डुअल सिटीजन नहीं रखना, जो हो उसे अपने बीवी बच्चों को यहाँ बुला के रखे हमारे सामने, उसका नाम ECL में डालो, कौन जो चला रहा है वो बाहर नहीं जा सकता, कैबिनेट मेंबर बाहर नहीं जा सकते, इनके बच्चे यहाँ होने चाहिए, थोड़े अंदर कैबिनेट मेंबर नस जाएंगे छड़ के, मिनिस्ट्री कोई नहीं लेगा बंदा, थोड़े होना तो इतना ही चाहिए ना, तुम सारे फराड़ी इकट्ठे कर लेंगे जो जिन्होंने बच्चे बाहर ने कैरियर लगे जाके जाते लुट के वापस आ जाते, तो शर्म ही नहीं आ रही
पिछलिया 10 कैबिनेट खोल के देख लो, सारे ब्रिटिश थे, सारे अमेरिकन, और उन्होंने किसी की कोई क्वालिफिकेशन नहीं, सिर्फ एक बारबीक्यू चंगा करा लेंगे सर, वड्डिया गड्डिया के मालिक ने, थोड़े इतों के थोड़े वजीर आपके पार्टियों के हेड जाते हैं उनको बारबीक्यू कराते हैं, जलसे कराते हैं, पहले लोग जो पहले पीटीआई के क्वाली कराते थे नुसरत फतेह अली की, देख लें आप अली जैदी साहब का, मैं मेरे तो अच्छे दोस्त हैं लेकिन उनका देख लें, शिकागो में अपार्टमेंट था उनका, मुर्शिद पाक उनके पास जाते थे, वो अच्छी क्वालियां श्वालियां कराते थे, फंड रेजिंग करते थे, लेकिन इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं, किसी से कभी पूछा है भी, तू कड़ी पी एच डी तेरे को यार, तू बजट बजट दस पहले ही दस की ना रहे बजट दस पहले, कोई पता नहीं की फायदा, किन्ने पूछना है जी, वो कहते की होया, कहते पाकिस्तान तबाह होया फिर की, फिर की, कहते शैमा बन दी तबाह होने वास्ते फिर की, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। चलो चिकमा साहब, लेकिन आज अफसोस है कि मोदी साहब की स्पीच वॉज रिमार्केबल, काश मेरे मुल्क के लोग उसको सुन, आप इंडियन सिद्धू मूसे वाले के बहुत सुन रहे हैं, आप स्टिकर भी लगा रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, तमाला भी पा रहे हैं, मोदी साहब की स्पीच सुननी चाहिए, शायद शर्म आ जाए। बिल्कुल तार साहब, स्पीच सुननी चाहिए, उनको कोई जवाब भी देना चाहिए, पर पता नहीं क्यों नहीं, हमारी लीडरशिप क्यों जवाब नहीं देती, बोलते नहीं है, इनको क्या मसला है कि मुंह बंद हो जाता है इन्हों का, कि ये डरते ने चकते ने मोदी साहब को, जो है ना प्यार करते हैं उनसे इतना ज्यादा, ये क्या चक्कर है, कुछ समझ नहीं आई तार साहब, तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल इस वक्त की जो हमारी कंडीशन है कि $300 मिलियन का नुकसान हो रहा है तारक साहब, ये इंटरनेट जो बंद किया, स्लो डाउन किया जा रहा है $300 मिलियन का, ये सारी जो सॉफ्टवेयर की जो एसोसिएशन है पाकिस्तान ने उसमें कह दिया है, छोटे छोटे बच्चे जो गांव में बैठे हुए ये काम कर रहे थे वो सारे बेरोजगार हो रहे हैं, हुकूमत जरा इन लोगों पे ध्यान दे इंटरनेट के ऊपर। एनी हो, थैंक यू वेरी मच सादे तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्ले टॉपिक टू यू फॉर वॉच। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म, कोई ना पर्सनल, वो हम पंजाबी जरा ना ऐसे, हम पंजाबी में एक कहते होते कि चुंडी वड्डी किसे लगता है कि इसकी सरेंडर मुझे ये नहीं समझ आती हमारी एस्टेब्लिशमेंट आर्मी की, कि यार मानते हैं लोगों ने कोर कमांडर पर हमला किया, करवाया भी उन्होंने खुद है, करवाया मतलब उन्होंने जिच किया है, क्योंकि सारा कुछ करने वाले वो कमांडो एक्शन किसने किया है, अदालत के अंदर से कमांडो एक्शन करके कौन लेकर गया, हमारी आर्मी लेकर गई कमांडो एक्शन, वो कमांडो ही थे लेकर गया, लोगों में गुस्सा था तो लोगों ने कर दिया, मान लेते गलती हो गई। मुझे ये आज तक समझ नहीं आई कि कोर कमांडर पर हमला करना ज़्यादा खतरनाक है कि 93,000 सरेंडर करना ज़्यादा खतरनाक है, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि कोर कमांडर पर हमला करने से हमारी आर्मी का मोराल ज़्यादा गिरता है कि 93,000 सरेंडर पैंते उतारने पर ज़्यादा मोराल गिरता है उस इंडिया को, ये तो वही फिर बात हो गई, पानी मुँह थारे चढ़ता है, हमारे हम नहते हैं आवाम, हमारे ऊपर ही चढ़ दौड़ रहे हैं हमारी आर्मी तुम्हारा सारा कुछ, इंडिया पर क्यों चढ़ दौड़ तो, जिन्होंने 93,000 सरेंडर करवा रहे हैं, पैंटें अभी उधर पड़ी हुई, ये तारण भी उस पर नहीं बोलता है, क्या क्यों नहीं कहता, तारण कह रहा है 1.5 साल बाद, जब कमर चीमा साहब ने कहा फौजी तहवील में देने का हुक्म आ रहा है तो बड़ी खुशी उसके मुंह में खिलखिलाहट आ गई, साल लेट क्यों कर दी उसने, दे लगता है इसकी यार मेरे पास ना, मैं ये अपना बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ, इसके साथ कभी लाइट वेट आ जाना। पहली बात तो ये है कि ये मुल्क की बात ही ना करे, ये मुल्क की बात करना चाहता तो मुल्क के अंदर आकर करे, फेस करके करे, हालात को अपने ऊपर ले, पता चले इसे कि मुल्क में क्या हालात है और मैं कितनी औकात में हूँ, बार में अगर भौंकना अच्छा लगता है, हर एक को अच्छा लगता है, पता चलता है जब अपने मुल्क के अंदर घर में आओगे, उन हालात को फेस करोगे, बर्दाश्त करोगे, फिर बात करोगे, तब मजा आएगा। अच्छा, फायरवॉल की बात है, ये बिल्कुल सच है जी, हमारा इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा है, हमारे जो मौजूदा इदारे या ये सारा कुछ, ये कई बातें उसकी सही भी है, हमारे लीडर सारे ही करप्ट है, हमारे सारे लीडर ही दो नंबर है, लीडर मतलब सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ये भी बात क्योंकि ठीक है कि पॉलिटिकल लीडर सिर्फ लीडर नहीं होते, चीफ जस्टिस लीडर है, आईजी लीडर है, आर्मी चीफ लीडर है, किसी भी इदारे के अगर सरबराह को लीडर है, नादरा का अगर कोई DGI है या कोई चीफ सेलेक्टर है, जो भी है वो सारे लीडर है, अगर इन सबको देखो सारे घूसखोर है, करीबन 90% घूसखोर और एक दूसरे की
अपने मफाद, अपनी फैमिली को बचाना, अपने रिश्तेदारियों को बचाना, अपने रवाबत कायम करना, करप्शन करना, अपने लोगों को फेवर देना, ये सारे ऐसे हैं। यहाँ तक कि हमारे आर्मी चीफ भी वो, उनको भी अब वही वो कर रहे हैं जो उनको लगता है कि मुझे करना चाहिए, मेरे आने वाले जो नस्ल हैं या मेरे आने वाले आर्मी के लोग या मेरे जो लगते लिंदे हमारे रिश्तेदार जो, उनको फ़ायदा होगा। अच्छा, को कोई क्या फ़ायदा होगा इसका? ये जो सारी जो पकड़ दकड़ कर रहा है, इसका क्या आज तक फायदा हुआ पाकिस्तान को? कोई फायदा नहीं पाकिस्तान। अच्छा मुझे ये बता, ये इस खुशी के खत्ते को ना पाकिस्तान कहते हैं, ये इनका माइंड बन गया है अफसर शाही का, चाहे वो पुलिस में है, चाहे आर्मी में, चाहे जजिस में, इनका ये दिमाग में है कि ये जो खुशकी का टुकड़ा है ना, जिस पर हम ये नक्शा खींचा गया कि ये पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान है, पागल के बच्चों ये पाकिस्तान नहीं है, ये तो ज़मीन है, वहाँ पर तुम अगर इंसानों की तरह, मुसलमानों की तरह रहोगे, इंसाफ के साथ, अदल के साथ, तो तब ये पाकिस्तान पाक पाकिस्तान बनेगा। मुझे साहब धमकियाँ दे रहे हैं, बनती होंगी। अच्छा एक और बात है, कुत्ता तभी भौंकता है जब सामने से मारने वाला कोई ना हो, ये उसे भी पता चल गया। अच्छा भाई बहुत गलत यार लैंग्वेज यूज करते, खुदा का वास्ता क्या चवड़े मारना हो जाते हो। हाँ ये बकवास करते हैं इंडियन, करते हैं बकवास जब पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट जाती है, ये कि नहीं करते, वीडियो में नहीं करते, तो मुझे बता मैं कौन सा गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, जब बिलाल साहब ने कहा ना गुजर ऑफ गुजरात मोदी को, तो क्या क्या बकवास इन्होंने की थी तुम्हें नहीं याद? तब यह यूट्यूब वाले कहा कहते, इन लोगों को उस वक्त नहीं चीजें नजर आती थी, मेरी जुबान से कोई निकल जाए तो इन लोगों को मिर्ची लग जाती है, लगती फिर पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है ना, उसकी वजह से ये सारी बयानबाजी हो रही है। अगर तुम्हें इतना शौक है ना तो अटैक करके देख ले, मैं तो कहता हूँ अटैक करके, ये जो गैप है ना आर्मी और आवाम का, ये दोबारा से एक हो जाए, ऐसे कर अटैक, जब भी तुमने किया है ये गैप ऐसे मिल जाता है, और ये नेचर है, लोग प्यार करते हैं अपने मुल्क के साथ, ऐसे मिल जाता है 93 सरेंडर हो जाता है, वो तो बाद की बातें हैं। और मैंने उस पर पूरी वीडियो की थी, तुम्हें साबित करवाया था कि जो हुक्म आता है मेरे भाई उसे आर्मी को मानना पड़ता है, और अफसर अफसर की बात मानेगा। हाँ अपनी वो एक उसका अपना जज्बा हो सकता था कि वो सरेंडर ना करता, मर जाता, वो एक उसका अपना फेल था, लेकिन जो कानून है आर्मी का वो यही है कि तुम्हें अफसर की बात माननी पड़ेगी। ये मैंने पूरी डिटेल से बात की थी, अब तुम्हें ये समझ में ना आए तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ यार। बात ये है, तड़सर की बातें काफ़ी हद तक ठीक है, हमारे करप्ट तीन लोग, हमारे बच्चा बच्चा, बातें उसकी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसे ये बातें करने का हक नहीं है, ये मुल्क में नहीं है, ये मुल्क के साथ दो नंबरी कर रहा है, ये बाहर बैठ कर बात कर रहा है, हालांकि उसे जो हालात फेस करने चाहिए थे यहाँ पर वो नहीं करता, और ये कहता है कि मैं खुद पर हैरान हूँ, क्या मैं इनमें से हूँ, यहाँ पर तो आ, ये जो तेरा सर इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा मुंह है आगे तुम्हारे खुदा ने लगाया हुआ, ये इतना सना रह जाए ना सोच सोच कर, तो मुझे अपना नाम चले। खैर मिलता नहीं मैडम साहब, गॉड ब्लेस यू।